नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निदेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम प्राथमिक और माध्यमिक गणित शिक्षण और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाने का काम करते हैं। साथियों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथियों साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इससे जब भी हम कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो आपको आपके यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, ये है वो सवाल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक सामान्य सा सवाल है जिसमें हमने लिखा हुआ है 12 भागित 2 कोष्टक के अंदर 6 ऋण 7 धन 4 गुणा 2 बराबर से क्वेश्चन मार्क। सवाल इस साथियों इस सवाल को देखकर आप चिंता में पड़ गए होंगे। साथियों, तो आज हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं कि 12 भागित 2 कोष्टक के अंदर 6 ऋण 7 धन 4 गुणा 2 क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। साथियों, आज के हम इस वीडियो में हम इसी प्रश्न पर ही बात करने वाले हैं। साथियों, अभी चंद घंटों पहले ही मैंने अपने फेसबुक पेज @निदेश सोनी के ऊपर एक पोस्ट डाली और इस पोस्ट में मैंने इसी सवाल को पोस्ट किया। पोस्ट करने के चंद घंटों के अंदर ही मैंने अपने फेसबुक पेज पर यह देखा कि लगभग 1105 लोगों तक ये पोस्ट पहुंच चुकी है और 91 लोगों ने इसमें एंगेजमेंट किया। ये संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है। साथियों, ये थी वो ओरिजिनल पोस्ट जो मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली थी। आप इसे फेसबुक पर मेरे पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। साथियों, इस सवाल में मैंने 3 विकल्प भी रखे थे। पहला जवाब था A 36, दूसरा जवाब था B 4 और तीसरा जवाब था C 1। साथियों, इस पोस्ट में बहुत सारे लोगों ने जवाब देने की शुरुआत करी, कई सारे लोग इसके जवाब दे रहे हैं, एक के बाद एक मेरे पास जवाब आ रहे हैं। कुछ साथी व्हाट्सएप पर, कुछ साथियों ने फेसबुक पर इसके जवाब दिए। लेकिन साथियों, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जवाबों में अलग अलग तरह की वैरायटी है और लोग इन तीनों ही जवाबों को दे रहे हैं। किसी को लगता है कि इसका जवाब 36 है, किसी को लगता है कि इसका जवाब 4 है और किसी को लगता है कि इसका जवाब 1 है। साथियों, जो तीनों तरह के जवाब आए थे इसमें से जो पहला जवाब आया है 36, उसको शायद साथियों ने कुछ इस तरीके से निकाला है। यह है वो पहला तरीका। यहां पर है हमारा सवाल 12 भागे 2 कोष्टक के अंदर 6 ऋण 7 धन 4 गुणा 2। साथियों, सबसे पहले उन्होंने कोष्टक के अंदर जाकर 6 बार 4 को हल किया। इस तरह से उन्होंने 10 को लिया, 10 में से उन्होंने 7 को घटाया और इस तरह से उन्हें जवाब मिला 3। अब उन्होंने 12 में 2 का भाग दिया, इस तरह से जवाब आया 6 और फिर उन्होंने 6 का 3 में गुणा करके लाया 18 और 18 का 2 में गुणा करके आया 36। इस तरह से पहले तरीके से उत्तर आया 36। साथियों, कुछ साथियों ने दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया, सवाल वही पुराना है। इस बार उन्होंने कोष्टक के अंदर दी गई संख्याओं में 6 और 4 को जोड़ा जिससे उन्हें 10 मिला। इस 10 में से उन्होंने 7 को घटाया तो उन्हें मिला 3। लेकिन यहां पर उन्होंने कुछ नया तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले 3 में 2 का गुणा कर लेकर आए 6, फिर उसके बाद 12 में 6 का भाग दिया जिससे उन्हें मिला 2 और 2 से फिर 2 का गुणा कर उन्होंने उत्तर लेकर आए 4। तो साथियों, यह दूसरा तरीका था जिससे कुछ साथियों ने सवाल को हल किया और इसका उत्तर उन्होंने लेकर आए 4। साथियों, तीसरा तरीका भी काफी दिलचस्प है। सवाल वही का वही, फिर साथियों यहां पर उन्होंने 6 और 4 को जोड़कर लेकर आए 10, 10 में से उन्होंने 7 को घटाया, घटाने के बाद में उत्तर आया 3 और उसके बाद में यहां पर उन्होंने 2, 3 और 2 इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा किया। इस तरह से उन्होंने लेकर आए 12 और 12 में 12 का भाग देकर उन्होंने उत्तर लेकर आए 1। इस तरह से साथियों तीसरे तरीके से उत्तर मिला 1। ये तीनों ही वो तरीके थे जो अलग अलग साथी मुझे भेज रहे हैं अपने आंसर जो उन्होंने फेसबुक पोस्ट में मुझे लिखकर बताए। साथियों, इन तीनों ही विकल्पों को ध्यान से देखिए, जिसमें एक बार हमें उत्तर मिला 36, एक बार हमें उत्तर मिला 4, एक बार हमें उत्तर मिला 1। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर है जो कि गणित के नियमों के चलते बिल्कुल सही आ रहा है। तो साथियों, आपका जवाब क्या है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और ये साथियों काफी दिलचस्प सवाल बन पड़ा है, बहुत सारे लोग इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे अगले वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका सही जवाब क्या है और किस तरीके से इसका सही जवाब निकल सकता है। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, दूसरे वीडियो को करिए इंतजार और हम जरूर दूसरे वीडियो में सवाल को हल करेंगे मिलकर। नमस्ते।